Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Payal, your educator. I will explain the most important topics from Geography NCERT for prelims perspective. Before we start, a small announcement for all of you. Unacademy Combat, the most competitive gamified UPSC CSE battle, is held on every Sunday at 11 a.m. Enroll now for free. Use code ARPITA10 to unlock plus experience for free and start learning from the best. How to enroll in the quizzes for free? Download Unacademy Learning app, register or sign in the app, select a goal as UPSC CSE. When prompted, please enter code ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC CSE. Extensive quizzes with 6 rounds of question each from economy, polity, environment, science and tech, geography and history. The questions are curated by Unacademy best UPSC CSE educators. You will see a real-time leaderboard after every question to instantly know the answer you get right and know where you stand among other learners in India. Detailed video solutions after every contest so that you get it right the next time. Don't miss this opportunity. Hurry up and enroll now. So our today's topic is major river systems of India. इसी सीरीज में हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स और उसी का ही ये डिटेल्ड पार्ट है. क्या इसके अंदर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वाला पार्ट कवर नहीं किया है क्योंकि वो पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं. इसके अंदर हमने डिस्कस किया है मेजर रिवर सिस्टम्स. मेनली हमें पता है कि हमारे वहाँ पे हमारे इंडिया में रिवर्स को मेनली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जो कि है हिमालयन रिवर्स पेनिनसुलर रिवर्स. हिमालयन रिवर्स पेरिनियल रिवर्स है जिसमें इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह और उसकी ट्रिब्यूटरीज आती है. और पेनिनसुलर रिवर्स नॉन पेरिनियल रिवर्स जहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती वगैरह ये सारी आती है. अब मैंने आपको बताया था कि हिमालयन रिवर्स है ये न्यू रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स ओल्ड रिवर्स है. ठीक है, इसलिए इनका बहाव कटाव हिमालयन रिवर्स का ज्यादा है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स. है हिमालयन रिवर्स नई रिवर्स है, ग्लेशियर्स के पिघलने से बनती है, इसलिए कभी भी इसके अंदर पानी रुकता नहीं है, हमेशा पानी रहता है 12 महीने यानी कि पूरा ईयर पानी रहता है इसके अंदर. लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स ये मॉनसून पे बेस्ड रिवर है. ठीक है, मॉनसून पे डिपेंड रहती है, ये डिपेंड करती है मॉनसून पे, इसलिए कुछ टाइम पे इसके अंदर पानी होता है, कुछ टाइम पे नहीं होता है पूरे ईयर में. अगर हम बात करें कि रिवर्स मेनली टू पार्ट्स में जाके ड्रेन होती है, एक रिवर्स तो होती है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है जो ईस्ट की तरफ जाके बहती है, जो ईस्ट में जाती है वो जाती है बे ऑफ बंगाल में, और जो वेस्ट की तरफ जाती है वो जाती है अरेबिक सी में. ओके, सो बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स कौन कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और इसकी ट्रिब्यूटरीज इंडस वगैरह. और सॉरी, ये हिमालयन रिवर्स है. बे ऑफ बंगाल में जाने वाली रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जिसके अंदर आती है गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना वगैरह. और अरेबिक सी में जो जाती है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है जिन जो है नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी वगैरह. ओके, 90% जो वाटर है वो बे ऑफ बंगाल में जाता है, बाकी का रेस्ट जो बचा हुआ है वो अरेबिक सी में जाता है क्योंकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स की जो नंबर्स है वो कम है एज कम्पेयर टू बे ऑफ बंगाल में जाने वाली ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के, ज्यादा है वो. बे ऑफ बंगाल में ड्रेनेज होती है तो रिवर दैट ड्रेन्स इन बे ऑफ बंगाल वो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज वाली रिवर्स, और जो दैट ड्रेन्स इन अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स होती है क्योंकि बे ऑफ बंगाल हमारे इंडिया के ईस्ट में सिचुएटेड है और वेस्ट में सिचुएटेड है हमारे अरेबिक सी, इसलिए वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स वेस्ट अरेबिक सी में जाके ड्रेन होती है. 77% ऑफ ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री ओरिएंटेड टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल. अगर हम रिवर्स की बात करें तो 77% जो है उनका ये बे ऑफ बंगाल में जाता है और 23% ड्रेनेज एरिया ऑफ कंट्री यानी कि जो पूरी कंट्री का 23% ड्रेनेज एरिया है वो अरेबिक सी में जाता है. गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार और वेंगई जैसी रिवर्स जो हैं ये सारी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होने वाली रिवर्स है, और नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, लूनी वगैरह ये सारी बेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. ओके, ये जाती है अरेबिक सी में.
देखिए हिमालयन रिवर जिसके अंदर इंडस रिवर सिस्टम आता है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आता है, गंगा रिवर सिस्टम आता है, फिर पेनिनसुलर इंडिया की बात करें तो गोदावरी रिवर सिस्टम, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम और एक छोटा सा पार्ट है जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स का है जिसके अंदर मेनली दो रिवर सिस्टम्स हैं, नर्मदा रिवर सिस्टम एंड ताप्ती रिवर सिस्टम। ये पूरा आपका हिमालयन रिवर सिस्टम है जिसके अंदर गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस वगैरह का रीजन आता है। और ये वाला है हमारा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम जिसके अंदर महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा, तापी वगैरह का रीजन आता है। ओके, ये कुछ वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है हमारी, लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, ये सब वेस्ट की तरफ जा रही। देखिए इनका ओरिजिनेशन इधर से हो रहा है और ये जा रही है सब वेस्ट की तरफ और अरेबिक सी में जाकर ड्रेन होती है। फर्स्ट है हमारी इंडस रिवर जो कि कैलाश रेंजेस से, मानसरोवर से इसका ओरिजिनेशन होता है। मेनली ये 2897 किलोमीटर बहती हुई कराची के पास में अरेबिक सी में जाके ड्रेन हो जाती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से ये एंटर होती है हमारे इंडिया में। यहाँ पे आके ये जास्कर, श्योक और नुब्रा और उंजा जैसी ट्रिब्यूटरीज को ज्वाइन करती हुई कराची के उधर जाके अरेबिक सी में जाके फ्लो हो जाती है। लद्दाख रेंजेस और जास्कर रेंजेस के बीच में ये फ्लो होती हुई जाती है और एक डीप जॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, 5181 मीटर डीप जॉर्ज का निर्माण करती है अटॉक में। ठीक है, हिमालय क्रॉस करती हुई और इसके कुछ मेजर ट्रिब्यूटरीज है जैसे झेलम, रावी, चिनाव, ब्यास, सुतलज, यू कैन सी इन दिस इमेज। ठीक है, ये हमारा इंडस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जम्मू कश्मीर से एंटर होती है हमारे इंडिया में और इधर से बहती हुई अपनी ट्रिब्यूटरीज के साथ मिलकर ये कराची में जाकर अरेबिक सी में फ्लो हो जाती है, ड्रेन हो जाती है। मानसरोवर से इसका ओरिजिनेशन होता है। देखिए इंडस रिवर, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास वगैरह ये सब लोग मिलकर, ये सब रिवर्स मिलकर जाके अरेबिक सी में ड्रेन हो जाते हैं। 2897 किलोमीटर तक ये बहती है और अरेबिक सी में ड्रेन होती है। देन हमारी गंगा, गंगा रिवर सिस्टम, इसे यानी कि जब ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब ये भागीरथी नाम से ओरिजिनेट होती है। फिर देवप्रयाग में क्या होता है, बिफोर इट रिचेज देवप्रयाग इन गढ़वाल डिवीजन द मंदाकिनी, पिंडर, धौली गंगा एंड बीशन गंगा रिवर मर्ज इंटू अलकनंदा एंड भेलिंग ड्रेन्स इंटू भागीरथी। ओके, अलकनंदा में सारी रिवर्स मर्ज हो जाती हैं और भागीरथी में ड्रेन हो जाती है। ओके, तब भागीरथी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, तब जाके गंगा फॉर्म, यानी कि गंगा तब बनती है जब भागीरथी और देवप्रयाग मिलती है, गंगा रिवर का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब गंगोत्री से वो निकलती है तब उसका नाम भागीरथी ही होता है। यू कैन सी यह पूरा गंगा रिवर सिस्टम है और गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है, ठीक है, वो है यमुना। मेन ट्रिब्यूटरी गंगा की यमुना ही है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी। अब जो पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट है वो आप देख सकते हैं, विष्णु प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा धौली गंगा रिवर से मिलती है, नंद प्रयाग जहाँ पे अलकनंदा नंदाकिनी रिवर से मिलती है, कर्ण प्रयाग जहाँ अलकनंदा पिंडर रिवर से मिलती है, रुद्र प्रयाग जहाँ अलकनंदा मंदाकिनी रिवर से मिलती है, और देव प्रयाग जहाँ अलकनंदा मिल जाती है भागीरथी से और जहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है गंगा रिवर। अगर गंगा रिवर की हम मेन ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, दामोदर, सप्तकोसी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, सोन। रिवर आफ्टर ट्रेवलिंग 2525 किलोमीटर फ्रॉम इट सोर्स मीट्स बे ऑफ बंगाल। जब ये पूरा 25 किलोमीटर बह लेती है उसके बाद ये जाके बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है। ओके, और इसी रिवर पे जब बांग्लादेश में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र का वो होता है, जब ये दोनों रिवर मर्ज होती है तब वहां सुंदरबन डेल्टा का भी फॉर्मेशन होता है। इसका कुछ पार्ट हमारे इंडिया में भी है सुंदरबन डेल्टा का। यू कैन सी देखिए घाघरा, गंडक, कोसी वगैरह ये सारी रिवर्स इसकी ट्रिब्यूटरीज है। सोन भी आके मिलती है यहीं पे, बेतवा वगैरह है ना, जो मध्य प्रदेश से भी बहुत सारी रिवर्स है जो आके गंगा रिवर सिस्टम में मर्ज होती है और गंगा रिवर सिस्टम जाके ड्रेन होता है यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में। देन ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये भी हिमालय का ही रिवर सिस्टम है जो कि मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, क्योंकि इंडस और सतलज जैसे रिवर का भी सोर्स है, मेन सोर्स यही है। ये 3848 किलोमीटर लॉन्ग है, इंडस से थोड़ी लॉन्ग है, वो 2897 किलोमीटर से ये 3848 किलोमीटर लॉन्ग है। मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया, यानी कि मेनली इंडिया के थोड़े से ही लग भी जाती है, यानी कि थोड़ा सा ही पार्ट इसका इंडिया में आता है, अधिकतर पार्ट इसका इंडिया के बाहर ही है।
flows parallel to Himalayan in eastward direction, which reaches the Namcha Parva. It takes a U-turn around it and enter the इंडियन स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश स्टेट से यह एंटर होती हुई इंडिया में आती है, जहाँ पे इसे दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है. इन इंडिया इट फ्लोस थ्रू स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम एंड कनेक्टेड बाय सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज. असम एंड अरुणाचल प्रदेश में यह बहती हुई आती है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज से मिलती जुलती ये निकल जाती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर ड्रेन हो जाती है. ओके, इस रिवर को सांगपुर रिवर के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है. मानसरोवर लेक तिब्बत से इसका ओरिजिनेशन होता है, वहां पे इसे सांगपुर रिवर के नाम से जाना जाता है. ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम. यू कैन सी अरुणाचल प्रदेश से ये एंटर होती है दिहांग दिबांग वगैरह मिल जुल कर ये रिवर जाती है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है गंगा वगैरह से भी, मेघना वगैरह का फॉर्मेशन होता है. फिर ये जाके रिवर जाती है और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. इसकी लंबाई है 3848 किलोमीटर और इंडस से थोड़ी बड़ी रिवर है. ज्यादा पार्ट इसका इंडिया में नहीं आता है, ये थोड़ा सा हिमालय के ईस्टवर्ड डायरेक्शन से होती हुई दिहांग रिवर वगैरह ऐसे एंटर करती हुई असम अरुणाचल से होती हुई है बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है. सांगपो नाम से इसको जाना जाता है तिब्बत में, जहां से इसका ओरिजिनेशन होता है. सो ये तो हो गई हमारी हिमालयन रिवर सिस्टम, जिसके अंदर हमने तीन रिवर सिस्टम्स पढ़े, इंडस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. और है यमुना रिवर सिस्टम, ये भी देख लेते हैं. ये गंगा की सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है. यमुनोत्री ग्लेशियर से बंदरपुर से इसका ओरिजिनेशन होता है उत्तराखंड से. इसको सीन हिंडन इन चंबल जैसी नदियां ज्वाइन करती हैं. और इसकी सबसे लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है जो इसका ओरिजिनेशन मध्य प्रदेश से ही होता है. इसका कैचमेंट एरिया जो है दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे एरिया में फैला हुआ है. काफी बड़ा एरिया है इसका भी, छोटा वटा नहीं है. ये गंगा रिवर है और इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है हमारी यमुना रिवर, जिसको तमसा, बेतवा, चंबल वगैरह आके सब ज्वाइन करती हुई जाती है. देखिए न्यू दिल्ली, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद वगैरह ऐसे शहर इसके ही तट पर बसे हुए हैं. फिर ये जाके इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है और फिर आगे गंगा के साथ फ्लो होती हुई ये भी बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. अब यह हमारी स्टार्ट होगी पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स, जिसके अंदर फर्स्ट रिवर सिस्टम है गोदावरी, जिसे हम दक्षिण गंगा और वृत्त गंगा के नाम से भी जानते हैं. ये गंगा से ओल्डेस्ट रिवर है, यानी कि गंगा से ओल्ड रिवर है. क्यों ओल्ड है? क्योंकि ये बूढ़ी रिवर्स है. पेनिनसुलर रिवर बहुत पहले इनका फॉर्मेशन हो चुका था हमारे हिमालय का, तो अभी अभी फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए जहाँ से जो नदियां वहां से निकलती है वो भी नई नदियां ही है. उनका कटाव भाव बहुत ज्यादा यानी कि तेज है एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स. तो गोदावरी को दक्षिण गंगा या फिर वृत्त गंगा भी कहा जाता है. ये सीजनल रिवर है, समर के टाइम पे ये सूख जाती है और मानसून के टाइम पे ये भर जाती है बहुत अच्छी तरीके से. त्र्यंबकेश्वर नासिक में इसका ओरिजिनेशन होता है और वहां पे हमारा एक ज्योतिर्लिंग भी स्थित है त्र्यंबकेश्वर नासिक में, वहां से ही इसका ओरिजिनेशन होता है. साउथ सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद, सॉरी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये इधर से होती हुई बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन हो जाती है और एक फर्टाइल डेल्टा का निर्माण करती है. वेस्टर्न घाट से होती भी जाती है और वेस्टर्न घाट में कोई पहाड़ियां नहीं है, जिससे क्या होता है वहां के रिवर्स, सॉरी ईस्टर्न घाट से होती हुई जाती है जहाँ पे कोई पहाड़ियां नहीं है, जिससे डेल्टास का फॉर्मेशन करती है नदियां. इधर साइड वाली नदियां सारा डेल्टा का फॉर्मेशन करती है और इधर साइड वाली नदियां सारा एस्चुरीज का फॉर्मेशन करती है. ओके, तो राजमुंद्री नाम का एक डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, ये बहुत फर्टाइल डेल्टा है. ये पिलग्रिमेज, बहुत सारे पिलग्रिमेज इसके बैंक पर स्थित है, यानी कि इसके किनारे स्थित है, जैसे नासिक, महाराष्ट्र, चालम, त्र्यंबक. सम ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरी इंक्लूड प्राणहिता, जो कि पेन गंगा और वर्धा का कॉम्बिनेशन है, जिसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है. इंद्रावती रिवर, बिंदुसार, सबरी और मंजीरा. यू कैन सी मंजीरा रिवर, पेन गंगा रिवर, इंद्रावती, सबरी, वेन गंगा, ये सभी आके से मिल रही है, गोदावरी से मिल रही है और गोदावरी जाके ड्रेन हो रही है बे ऑफ बंगाल में. देन हमारे कृष्णा रिवर सिस्टम. कृष्णा रिवर सिस्टम भी इंडिया के लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम के अंदर ही आती है, जिसका ओरिजिनेशन होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र में. ये सांगली से होती हुई ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. रिवर फ्लो थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. ये तीन चार स्टेट से होती हुई बे ऑफ बंगाल में फ्लो हो जाती है. ये तुंगभद्रा इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, जिनका ओरिजिनेशन विच इटसेल्फ इज फॉर्म्ड बाय तुंग एंड भद्रा रिवर, जो कि दो रिवर्स का कॉम्बिनेशन है, तुंग रिवर एंड भद्रा रिवर. ये दोनों रिवर्स मिलती है और जाके मिल जाती है कृष्णा रिवर में. इट ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट, जिनका ओरिजिनेशन तुंग और भद्रा दोनों का ओरिजिनेशन वेस्टर्न घाट से ही होता है.
दूध गंगा रिवर कोयना, भीमा, मालप्रभा, दिंडी, घाट प्रभा, वरना, येरला, मूसी, ये सारे रिवर्स है जो इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है कृष्णा रिवर्स की. यू कैन सी बहुत सारी रिवर्स है, भीमा रिवर, भद्रा रिवर. देखिए भद्रा रिवर और तुंगा रिवर जो दोनों जब मिलती है तो तुंग भद्रा का फॉर्मेशन होता है. तुंग भद्रा इसकी मेन ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की. फिर भीमा रिवर, मंजीरा रिवर वगैरह ये सब मिलती हुई कृष्णा रिवर जाके फ्लो हो जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल में. कौन कौन सी स्टेट्स में है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से इसका ओरिजिनेशन होता है. महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. नाउ कावेरी रिवर सिस्टम, इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है. ये भी एक पेनिनसुलर रिवर है. ओरिजिनेट फ्रॉम तलाकावेरी लोकेटेड इन वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन है ना, ये जो वेस्टर्न घाट्स वाला रीजन इधर वाला, यहीं से इसका ओरिजिनेशन होता है. फेमस पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट प्लेस कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इसी के तट बसी हुई है. हेड वाटर ऑफ रिवर इन वेस्टर्न घाट रेंज ऑफ कर्नाटका स्टेट एंड फ्रॉम कर्नाटका टू तमिलनाडु द रिवर ड्रेन इन टू बे ऑफ बंगाल. ठीक है, रिवर कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाती है. रिवर हैज मेनी ट्रिब्यूटरीज लाइक अर्कावती, सिमशा, हेमावती, कपिला, होनूहोल, अमरावती, लक्ष्मण काबिनी, लोक पावनी, भवानी, नोयल, तीर्था, ये कुछ इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज हैं. ओके, दिस इज कावेरी रिवर. आप देख सकते हैं तलाकावेरी से इसका ओरिजिनेशन होता है और ये जाके ड्रेन हो जाती है बे ऑफ बंगाल में. इसको बहुत सारी रिवर्स ज्वाइन करती है, हेमावती, सिमशा, अक्रावती, भवानी, काबिनी, लक्ष्मण तीर्था, नोयल, अमरावती जैसी रिवर्स इसको ज्वाइन करती है और ये रिवर जाके ड्रेन हो जाती है हमारी बे ऑफ बंगाल में. ये भी एक पेरिनियल रिवर है, पेनिनसुलर इंडिया की रिवर है, ये रिवर सिस्टम है. देन महानदी रिवर सिस्टम, इसका ओरिजिनेशन होता है सतपुड़ा रेंजेस से जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, ईस्टर्न इंडिया का पार्ट है. थोड़ा सा ये ईस्टर्न इंडिया की रिवर है, ईस्टर्न पार्ट में पूर्वी दिशा की रिवर है ये. इट फ्लोज ईस्ट टू वे ऑफ बंगाल. द रिवर ड्रेन्स द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड, उड़ीसा. ठीक है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा तो होती हुई ये रिवर फ्लो हो जाती है बे ऑफ बंगाल में. इसके ऊपर लार्जेस्ट डैम यानी कि सबसे बड़ा डैम बना हुआ है हीराकुंड डैम. ओके, ये इसी रिवर पे बना है, महानदी रिवर पे बना है जिसका ओरिजिनेशन सतपुड़ा रेंजेस से होता है जो कि सेंट्रल इंडिया का पार्ट है. ईस्टर्न इंडिया की ये रिवर है, देखिए ईस्टर्न इंडिया की रिवर है ये. ओके, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज भी देख सकते हैं, देवी रिवर, पारादीप, है ना, जैसे ऐसी इसका ट्रिब्यूटरीज है जाके मिलती हैं इससे. और ये है महानदी रिवर का बेसिन पूरा कि ईस्टर्न इंडिया में सिचुएटेड है. सो ये है हमारी कुछ पेनिनसुलर रिवर्स, महानदी रिवर, कावेरी रिवर, कृष्णा रिवर, दावरी रिवर, ये सारी हो गई हमारी पेनिनसुलर इंडिया की रिवर. फिर यमुना रिवर, ब्रह्मपुत्र, गंगा, इंडस, ये सारी हमने पढ़ी है हमारी हिमालयन रिवर्स. ओके, सो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. सारी रिवर्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी. दिस इज ऑल अबाउट मेजर रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया. थैंक यू.